भूली न जाना हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। ए इश्क किसे दा नहीं होया इनु मुना लावी रातां नूं उठ उठ रोवेंगी दिला प्यार ना पावी। अच्छा आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज? जी मेरी तो लव मैरिज हुई थी, मैं तो घर से बाहर शादी करवाई थी मैंने तो। आँखों नूं शहर मेरा छड़ के ना जावे, छड़ के ना जावे। हत्थां उत्ते मेहंदी वे मैं तेरे लई सजाई, मिलांगी जरूर पावे पै जे लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी, मैं हूं आपकी होस्ट सना भट्टी, प्रोग्राम समाजी डेरा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं गांव की कुछ लड़कियां जिनसे करते हैं चटपटी बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, आप सुनाएं। क्या दिन भर की आपकी मसरूफियात हैं, कैसे आप दिन भर में क्या करती हैं सारा दिन? क्या करना है यार सना, कुछ भी नहीं, बस घर में फ्री रहती हूँ, बच्चे हैं घर में, सासू माँ हैं घर में, कुछ घर के काम होते हैं, सारा दिन तो मसरूफियत तो कोई भी नहीं है यार बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक, आप सुनाएं। आपका क्या ख्याल है, आप मतलब क्या करती हैं दिन भर? कुछ नहीं, सारा दिन का घर में, इसको यूनिवर्सिटी जाती हूँ, यूनिवर्सिटी से आके घर में काम करती हूँ, उसके बाद आके लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। कैसे बिहेव करती हैं अपनी मम्मा के साथ, बाबा के साथ, कैसा बिहेवियर है आपका? बहुत अच्छा है। काम शाम करवाती हैं मम्मा? हाँ जी करवाती हूँ। आपका क्या ख्याल है माँ बाप की खिदमत के बारे में? मेरे दो अबू इस दुनिया में हैं और अम्मी नहीं हैं। हाँ अम्मी के साथ अच्छा बिहेव है मेरा, मैं घर के काम शाम अम्मी के साथ हेल्प करवाती हूँ और सासू माँ की भी इज्जत करती हूँ, घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, वो तो नहीं कोई करती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, घर के मसले मसाइल ठीक है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिक का। क्या नाम है आपका? फरजाना कौसर। सही। अच्छा फरजाना, दिन भर की क्या मसरूफियत है? मसरूफियत यही है कि बच्चों में, सोचों में, घर की टेंशनों में पड़े रहते हैं, दिन गुजर जाता है। सही। ते कब सुबह हुई और कब शाम हो गई? सास हैं आप? जी। कैसा बिहेवियर है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मेरी सास का तो बहुत अच्छा है, बाकी का मुझे पता नहीं है। सही। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक है, और अल्लाह पाक उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप कुछ सुनाना चाहेंगी? क्या सुनाएं? कोई सॉन्ग, कोई शेर, कुछ भी। सॉन्ग, चलो सॉन्ग सुना देते हैं। चलें सुनाएं। रुसे लकवारी पावे दिल भी दुखावे, रुसे लकवारी पावे दिल भी दुखावे, आँखों नु शहर मेरा छड़ के ना जावे, छड़ के ना जावे, रुसे लकवारी पावे दिल भी दुखावे। किसके लिए आपने गाना किया है ये? कुछ राज होते जो बताए नहीं जाते। नहीं बताएं ना। अच्छा आप वहाँ अपने हस्बैंड के लिए किया? जी जी। मुझे नहीं लगता। नहीं मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया जो कि बोला है। अच्छा तो चंदा बताएं आपकी कितनी नंदे हैं? मेरी दो नंदे हैं। कैसा सलूक है? बहुत अच्छा है। देवर कितने हैं? पांच, चार हैं। चार हैं, भूल गई हैं। हाँ जी। सही। उनका कैसा सलूक है आपके साथ? बस सारा दिन तंग करते रहते हैं, क्या कहें, छोटे बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चे तो तंग करते ही हैं। अच्छा फरजाना आप बताएं कितने बहन भाई हैं? हम पांच बहनें दो भाई। आपके कोई देर जेठ कितने हैं, नंदे कितनी हैं? मेरी नंदे तीन, देवर छः। क्या सलूक है उनका आपके साथ? वो तो आपको पता ही है जो आजकल का
जो चल रहा है अच्छा ही है। अलग हैं या उनके साथ हैं? फिलहाल तो अलग हैं सभी। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी। आपने देखा था अपने हस्बैंड को पहले? जी जी, मेरी फूफो का बेटा है। सही। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? जी, मेरी तो लव मैरिज हुई थी। मैं तो घर से बाहर शादी करवाई थी मैंने। कैसे मिले थे आपके हस्बैंड? वो ना अम्मी ने और भाई ने ना खुद कहा था कि चलो ना, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपकी शादी करवा देती हूँ। फिर अम्मी और भाई मेरे साथ अदालतों में आए तो फिर उन्होंने शादी करवाई। शादी तो करवाई थी, कैसे मिले थे आप लोग, किस तरह से आपने अपने हस्बैंड को देखा? यार मेरे असी सिर्फ मैं शादीशुदा सी, लेकिन मैनू 21 दिन ना एक लड़का बहुत तंग कर रहा सी। सही। 21 दिन तो एक लड़का बहुत तंग कर रहा सी। मैं उन्होंने बहुत गालियां देनियाँ, सारा दिन मैं बेइज्जती करनी, लेकिन नहीं हटिया। मैं कह यार तू मैनू फोन ना कराया कर। कहिंदा क्यों ना करा, मैं तेना शादी करना चाहुंदा वा, मैं तेनू मैं सुनिया कि तुसी दलेर बहुत आ। मैं कह अच्छा जी। कहिंदा हाँ जी। मैं कह तुसी कित्थे अजमाना चाहुंदे आ मैनू? कहिंदा मैं ना फलानी जगह ते। मैं कह अच्छा चलो ठीक है, मैं आ ही रही हूँ। सही। तो फिर मैं कह चलो मैं आ ही रही हूँ, मैं कुछ देर बाद मैं आनी। कहिंदा चलो ठीक आ। मैं उत्थे आ गई, उन्होंने मैनू पूछा कि तुसी शादीशुदा एक बच्ची थोड़ी? मैं कह जी हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा शादी करना चाहता। मैं कोई मसला नहीं, कर लें। उन्होंने मेरे 18 दिन 19 दिन 20 दिन बस गल की, बाद है ना मैंने कहना मैं तो तलाक ले लो। मैं ठीक हाँ मैं तलाक लैनी। तो आपके पहले हस्बैंड का बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं था? नहीं, वो ठीक नहीं था ना, इसलिए डिवोर्स ली फिर मैंने उसके बाद उसके साथ 22वें दिन 21 दिन मेरी बात हुई है, 22वें दिन मैंने उनके साथ तलाक लेके उसी वक्त शादी की है। तो उनके बाद मेरी ज़िंदगी में तो बस परेशानियाँ आई। तो क्या बिहेवियर ठीक नहीं है आपके हस्बैंड का? नहीं, अभी तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है, अभी ठीक नहीं। पहले कैसा था? पहले ठीक था, तो पसंद थी, लव मैरिज थी, तो पहले ठीक ही था ना। तो अब कुछ भी नहीं है, बस अब तो बस बहुत परेशानियाँ। प्यारा कौन है ज़्यादा, हस्बैंड आपके प्यारे हैं? आप देख लेंगी, आपको बता, आपने तो देखा है ना, आपको आप मुझसे कुछ पूछ रही हैं। हाँ ठीक है, वो नहीं वो भी प्यारा है, मैं भी प्यारी हूँ। सही। और कोई बात करना चाहेंगे आप उनके लिए कुछ? सॉन्ग, छोटा सा सॉन्ग बस सुनाए। हत्थां उत्ते मेहंदी वे मैं तेरे लई सजाई, मिलांगी जरूर पावे पै जे लड़ाई, जे मैं तेरी आं ते तेरी सदा रवांगी, तू दिलों कढ़ वहम सोहणिया, दिन ईद वाले मिलांगी जरूर ते पक्का मेरा टाइम सोहणिया। यार छोटी, ये किसके लिए था? ये मेरे अपने शोहर के लिए था। सही सही। और आप कुछ सुनाना चाहेंगी, और कुछ शेर कुछ भी? मैं तो यही कहूंगी, ए इश्क किसे दा नहीं होया इनू मुना लावी, रातां नूं उठ उठ रोवेंगी दिला प्यार ना पावी। अच्छा, आपने मोहब्बत की थी? नहीं मुझे लगता है नहीं। ठीक है, ये बहुत शैतान है, ये आंटी है हमारी, इनसे मुलाकात हुई थी कुछ ही दिन, क्योंकि हम लोग इधर किराए में रहते हैं ना, सब इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए आपस में लगे हुए हैं। आप भी कुछ सुना दें। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा न जाना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। जी नाजरीन, आपने सुनी खवातीन की चटपटी बातें। मिलते हैं एक और नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगेबान।